दिन भर की चुनिंदा खबरों के लिए हमारे चैनल सिग्मा न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लखनऊ, आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह जी ने अहम प्रेस वार्ता की। उन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा बहुत ही साफ तौर पर प्रेस वालों के सामने रखा, जिसमें उन्होंने अनेक मुद्दे जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, सेना के लोग जो वीरगति को प्राप्त हुए आदि। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए एक सपना जिसको जमीन पर सच करना चाहती है, वो अपने गारंटी पत्र के माध्यम से लेकर आई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कोई जुमला नहीं होता, आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कोई दिखावा नहीं होता, आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र गारंटी पत्र होता है। इसका मतलब जो जो वादे हम लोग इस घोषणा पत्र में करेंगे, इसमें सारे वादे जमीन पर हम पूरा करके दिखाएंगे। सांसद संजय सिंह ने जारी किया घोषणा पत्र। वे बोले, हमारी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली, पुराने बकाया बिजली का बिल माफ होगा, 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलेगी, किसानों का बिजली बिल माफ होगा, नौजवानों के लिए 10 लाख रोजगार, बेरोजगारों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं के लिए 1,000 रुपए हर महीना, किसानों के सभी लोन माफ किए जाएंगे, बजट का 25% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, शहीदों के लिए परिवार को 1 करोड़ दिया जाएगा, कोरोना वॉरियर्स के लिए 1 करोड़ की सम्मान राशि, घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू करेंगे, भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे, सरकारी नौकरी दी जाएंगी, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा, आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म करेंगे, सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से बेहतर सुविधा देंगे, निजी स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देंगे, पत्रकारों के लिए 10 लाख का बीमा किया जाएगा। आगे वे बोले, दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक स्कूल का संचालन किया जाएगा। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा, कहा कि अमित शाह जी कह रहे थे कि वे मुगलों से लड़ाई की लड़ रहे हैं, तो मुगल भारत में कहां बचे हैं, और जाट से उन्होंने अपना बहुत ही पुराना रिश्ता बताया, तो अमित शाह जी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी पुरानी पार्टी है।